लेकिन आप इसकी आवाज़ देख सकते हो भाई, कितनी बोल्ड लुक है गाड़ी की। एक बोल्ड फ्रंट ग्रिल, साथ में विंच लगी हुई है, देख के एकदम बिल्कुल आई कैची लुक कह सकते हो आप इसे। इंजन की आवाज़ सुनो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी क्लेयर और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास चीज़ लेके आया हूँ, जो कि वाहो ऑटो डिज़ाइन के द्वारा बनाई गई है, तैयार की गई है, और इसमें जो काम है वो एक अलग ही लेवल का हुआ है। अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वाहो ऑटो डिजाइन के ओनर के साथ। जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भाजी। भाजी इसके बारे में बताओ, जी जो आपने निशान वन टन रेडी किया है, अभी प्रॉपर रेडी हो चुका है पहले तो? हाँ, ये बताओ। ये ऑलमोस्ट 80% हो चुका है। ठीक है जी। गियर 4x4 सारा कुछ इसमें, ड्राइव ट्रेन सब रेडी है। ठीक है। और वन टन के जो ऑथेंटिक लुक्स हैं पुराने, ठीक है जी, वो इसका और एक नई टेक्नोलॉजी का बड़ा प्रॉपर ब्लेंड है इसमें। ओके। जो कि बहुत कम देखने को आता है। ठीक है जी। आप चलाओगे तो आपको लगेगा मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल। और जब रोड पे आप देखोगे पुराना, हाँ जी, एक रेट्रो और उसका आपको पूरी फीलिंग आएगी इसमें। ठीक है भाजी। एक तो मेरे पास क्वेश्चन है इसके लिए, हाँ जी, हाँ जी, जो अक्सर ही लोग पूछते हैं या लोगों के माइंड में रहता है, जैसे ये एक ट्रक है, आर्मी ट्रक है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आर्मी ट्रक में हमें एक कार वाली फीलिंग मिल सकती है, जब मिलेगी इसमें? बिल्कुल, इसमें कस्टमाइज करा। ठीक है। सस्पेंशन, ड्राइव ट्रेन, ठीक है जी, और इसका अलॉय टायर्स, इंटीरियर सब कुछ हमने इसको कस्टमाइज करा है। ओके। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू कार जैसे होना चाहिए किसी को, ठीक है, वो कर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पूरे वर्ल्ड ओवर आप देखते होंगे ये तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई इसमें क्या क्या आपने काम किया, थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइए। पूरा कंप्लीट बॉडी वर्क और गली भी गाड़ी लाए थे हम राजस्थान से। ओके। वहाँ से फिर ला के इसको रिस्टोर किया हमने पूरा। ठीक है जी। पहले सारे पीसेस को हमने गल्वनाइज करा पूरा प्रॉपर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद करने के बाद एंटी रस्ट कोटिंग करा। ठीक है जी। पेंट जॉब्स करी सारी। ओके। रेडी करके उसके बाद पूरी फिटिंग करने के बाद इधर से ये बॉडी वर्क होता रहा। हाँ जी। उधर से अपना जो हमारा काम है मैकेनिकल का, वो होता रहा। 4x4 सस्पेंशन, हाई राइज किट, वो सब लगाते गए और उधर से अपनी हमारा इंटीरियर वाले काम लगते रहते हैं। ओके। इस तरीके से हमारी सारी काम चलता है इस गाड़ियों में। विंच वगैरह इसमें, ठीक है जी, लगी हुई है हर चीज जो है। ठीक है जी। इंटीरियर सब चीज लगी हुई है। तो ये हमारे कस्टमर जलंधर से, उनके लिए बनाई हमने। ओके। 5 सीटर है भाई ये बेसिकली। 5 सीटर है। पीछे इसकी जो बूट स्पेस है वो कवर्ड है। ठीक है जी। और इसमें हर चीज ध्यान रखा गया है। इसमें अपना टच पैनल आगे लगे हुए सारे। ओके। और रिवर्स कैमरा लगा हुआ है, पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है भाजी। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो लेटेस्ट गाड़ी में हो, जो इसमें ना हो। ठीक है भाजी। तो भाजी अगर ये किसी ने आपसे तैयार करवाना है, मतलब एज इट इज रेडी प्रॉपर आपसे लेना है, तो ये क्या कॉस्ट क्या करेगा कस्टमर? इसका कॉस्टिंग राउंड अबाउट शुरू होती है जी अपना 13 लाख से लेकर 18 लाख के बीच में। वो इतना मैं गैप क्यों बता रहा हूँ आपको 5 लाख का, बिकॉज ऑल डिपेंड करता है आप अलॉय टायर, साउंड सिस्टम कौन सा लगा रहे हो। ठीक है। इनमें बड़ी वेरिएशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। 50,000 का सेट भी आता है। हाँ जी, हाँ जी। 1.5 लाख का भी आता है। साउंड सिस्टम का 25 का भी आता है और 1.5 लाख का, 2 लाख का भी आता है। ठीक है जी, ठीक है। इसलिए वेरिएशन होती है। फ्रंट में मेटल बम्पर है जो कि एक मैट पेंट के साथ है, ब्लैक, और विंच है 5000 LBS की, और बिल्कुल बोल्ड ग्रिल है इसकी। इंजन बहुत बड़ा है तो इसके लिए एयर भी काफी ज्यादा चाहिए इंजन को ठंडा रहने के लिए। तो एकदम जो ग्रिल है वो पाजी ने ओरिजिनली रखी है। डबल फैन लगे हुए हैं इसमें। यस। और साथ में 2 हैलोजन हेडलाइट्स है जो इसकी जो खूबसूरती है उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और ये जो फ्रेम लगा हुआ है ये तो एक इसको अलग ही लुक दे रहा है। तो एक चीज पाजी मैंने आपसे और पूछनी है। हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ी कंफ्यूजन है काफी लोगों के दिमाग में, तो मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ रहा हूँ, ये लाइट्स का क्या रीजन होता है, क्यों लगाई जाती है ये लाइट्स? होती है, इन्हें कहते हैं नाइट आउट लाइट्स, होती है ब्लैक आउट लाइट्स कहते हैं इनको। ओके। जब आर्मी की गाड़ियां वॉर में होती हैं, हाँ जी, तो सब तरफ अंधेरा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाड़ी कैसे चले आर्मी वाली? हाँ जी। उनमें ये ब्लैक आउट लाइट्स होती है, इसके अंदर कंसीव लाइटिंग होती है, इसके अंदर लाइट बाहर आती है। ठीक है जी। तो वैसे ये शो के लिए लगाई हुई है, वैसे तो ये ऑन है समय, हाँ जी, अभी तो शो के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। गिव द ऑथेंटिसिटी ऑफ आर्मी कार। ठीक है जी, ठीक है। इंडिकेटर भी उसी का लगा हुआ है, साथ में ओरिजिनल आर्मी का इंडिकेटर है गाड़ी के। हाँ जी, हाँ जी। और बड़े बड़े बोल्ड मगराट है गाड़ी में। लिफ्ट किट पर यूज की हुई है। हाँ जी, लिफ्ट किट है, इसमें 8 इंच लिफ्ट किट लगी हुई है। मैंने भाजी पहली बार देखी 8 इंच की लिफ्ट किट किसी भी गाड़ी में। ऑस्ट्रेलिया से मंगाई है हमने। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये ओरिजिनली पाजी ने बाहर से इम्पोर्ट की है, किसी बढ़िया ऑस्ट्रेलियन ब्रांड की है, और साथ में 35 इंच इसमें टायर लगे हुए हैं, मड ट्रेन टायर है, एक्स्ट्रा वाइड और ऑफ रोडिंग वाले व्हील्स है। हाँ जी, हाँ जी।
और साथ में जो साइड ग्लास है गाड़ी का वो भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, क्योंकि काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो पीछे के लिए बड़ा ही साइड ग्लास चाहिए। तो अंदर से एक बार आपको गाड़ी दिखा देते हैं। अंदर से थोड़ा बहुत गाड़ी का काम वैसे बचा हुआ है, लेकिन इसमें सीट कवर्स और जो विंडो के साइड के गत्ते हैं वो काम रेडी कर दिए गए हैं। तो हम आए हुए थे, हमने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं, लेकिन पीछे वाली सीट्स है जो वो भी देखो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी। तो आपको लगेगा नहीं कि आप किसी एक बहुत बड़े ट्रक में बैठे हो, फीलिंग गाड़ी वाली आएगी और रोड पे बिल्कुल एक आई कैची माहौल आप क्रिएट करते जाओगे। हर बंदा आपकी तरफ देखेगा जब भी इस पर आप, जो इसके पीछे पीछे काफ़ी बड़ा जो बूट बनाया गया है गाड़ी में, ओह माय गॉड, एक बहुत ही हैवी है वैसे मेटल का बूट, बूट स्पेस है काफ़ी ज़्यादा मेरे घर भाई, 1000 लीटर से भी ज़्यादा ही होगा ये। हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो भाई इसमें तो चाहे जो मर्जी ले जाओ आप, पूरा बेड बनता ही है, आप इसमें सो सकते हैं आराम से। अच्छा, क्या बात है, टाइम आप पूरा सो सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल, आज इंडिया में आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि कैंपिंग करते हैं लोग गाड़ियों में। एक्स्ट्रा चीज़ बनाइए इसका जो एक्सेसिबल है, अगर आप अंदर बैठे हैं मान लो, हाँ जी, और बूट बंद है गाड़ी के अंदर, ठीक है, अपनी सीट ओली आगे लें और अंदर से अपना बैगेज को एक्सेस कर सकते हैं अंदर बैठे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। और अगले मॉडल में हम ये लोग पूरा ये फायरवॉल काट के इसके अंदर से पूरा कम्प्लीटली बेड बना के सो सकते हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है, क्या बात है जी। भाई पाजी की यही खासियत है कि वो कुछ ना कुछ नया सोचते हैं और नया क्रिएट करते हैं, और वो क्रिएट करके फिर दिखाते भी है और उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। मोस्टली लोग क्या होता है कि लोग सोच लेते हैं कि ये करना, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन पाजी उसको प्रैक्टिकली करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आप हमारे आने वाले वीडियोज़ में देखोगे। अभी एक फॉर्च्यूनर के ऊपर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जो अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं किया, वर्ल्ड ओवर रादर, शायद पूरी दुनिया में ही किसी ने नहीं किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में वो उसकी भी एक अलग से आपको वीडियो दिखाएंगे। तो ये पाजी ने प्रॉपर रिस्टोर करके इसे राजस्थान से खरीद कर, वैसे तो अभी स्क्रैप में ही मिलते हैं ये, तो 4x4 है, तो इसको जो लुक के एकदम ब्रांड न्यू दे दी है, जैसे अभी अभी शोरूम से निकला है, बैक लाइट, बैक बम्पर। तो भाजी टायर हैंग करने के लिए भी पीछे आपने बना दिया जी पूरा। तो मैंने भाजी देखा नहीं आज तक किसी ने 1 टन के पीछे ऐसे टायर हैंग किया हो, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन ये भी एक नई चीज है कि पीछे इसका रीजन है ये लगाने का। अच्छा जी, आजकल साइकिलिंग का बहुत ट्रेंड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसके ऊपर साइकिल स्टैंड लगाना है, बिल्कुल, आप साइकिल्स को ऊपर रख के ठीक ले आ सको। ओके, इसलिए। तो दोस्तों ये था निशान का 1 टन जोंगा, जो कि आजकल पूरा ट्रेंड में है पंजाब में।